सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज उड़न तस्त्री के बंधक। और अगले ही पल उस मेक मानव के शरीर के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे। ले जाओ इसके टुकड़ों को और मेक डॉग्स को पेट भर कर खिलाओ। मेक लैंड में मानव भूमि का जासूस बनकर आया था, लेकिन ये भूल गया कि मेक मानवों का कोई भाई नहीं होता। एक बार मेक मानव बन जाने के बाद सारे रिश्ते खुद ही खत्म हो जाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आ रहे हो? मानव भूमि से। हाँ, क्या काम था वहां पर? उनसे धातुओं का सौदा करना था, ताकि हमारे महान देश में हथियारों की कोई कमी ना रहे। शाबाश, हमेशा अपने महान देश की तरक्की के बारे में सोचते रहो। और तुम? ये मेरा असिस्टेंट है ऑफिसर। मानव भूमि में एक एक्सीडेंट में इसकी जीप कट गई है। अभी यह बोल नहीं सकता। जल्दी ही ऑपरेशन करवा के इसको कृत्रिम जीप लगवा दूंगा। ऐसा क्या? अपना मुंह खोलो, मुंह खोल। गूंगे के साथ साथ बहरा भी हो गया है क्या? अब तो इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ध्रुव का जवाब शुरू से ही जरा करारा होता है। और जब ध्रुव का जवाब खत्म हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आए बस, आह, मुझे यकीन हो गया कि तुम मेक मानव ही हो। हाय, मर गया। इतनी बेरहमी से तो कोई मानव नहीं मार सकता। तो हम जाएं? हाँ, जल्दी जाओ और इस बेरहम को भी लेते जाओ। हाय। अब आगे का रास्ता साफ था। बाल बाल बचे, वरना मैं तो समझा था कि आज पकड़े गए। समझ तो मैं भी गया था, इसलिए उस ऑफिसर को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं मेक मानव ही हूँ। आपका तरीका निराला है आदरणीय। आइए, अब हम जरा विश्राम कर लें। और लगभग आधे घंटे के बाद, आइए आदरणीय। ये किसका घर है? हमारे पास मैकलैंड में ऐसे कई घर हैं जहाँ पर हमारे एजेंट आकर रुकते हैं, लेकिन हमारे काम के लिए यह घर सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह विटलर के किले के काफी पास है। देखिए, वह है विटलर का भेद किला। तो अगला काम अब इस किले के अंदर पहुंचना है, और यह एक असंभव कार्य है। इस किले के भीतर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है कि विटलर आपको खुद इस किले के अंदर जाने की इजाजत दे। ऐसा ही होगा मिसाटे। अगर क्रूर विक्टर क्रूरता से प्रभावित होता है तो वो मुझसे जरूर प्रभावित होगा, लेकिन मेरी उससे मुलाकात कैसे होगी मिसाटे? हमारी जानकारी के मुताबिक कल विक्टर की सवारी मैसेकर स्क्वायर से गुजरेगी। तो कल हम विटलर महान का वहीं इंतजार करेंगे, मैसेकर स्क्वायर पर। अगले दिन मैसेकर स्क्वायर पर विटलर महान की एक झलक पाने को बेताब खड़ी भीड़ में ध्रुव और मिसाटे भी थे। पीछे पीछे! ये खिलिट है आदरणीय, विटलर का सबसे विश्वास प्राप्त और क्रूर अंगरक्षक। इसकी क्रूरता को तो आप खुद ही देख सकते हैं। ध्रुव चुपचाप भीड़ से एक कदम आगे आकर खड़ा हो गया। हैं? हैं? पीछे हट बुढ़िया। अरे, सुनाई नहीं देता क्या? मैं पीछे हटने को बोल रहा हूँ और तू आगे बढ़ा आ रहा है। पीछे चल, पीछे। फिर वही हुआ जो होना था। धक्का मारने के लिए खिलिट का हाथ ध्रुव की छाती पर आकर रुका, और अगले ही पल उसका भीमकाय शरीर हवा में उड़ता हुआ विटलर के सामने आ गिरा। आह! पूरा कारवा अपने आप रुक गया। खिलिट धीरे धीरे उठा। पूरी भीड़ स्तब्ध होकर ध्रुव की दर्दनाक मौत का इंतजार करने लगी।